फार्मास्यूटिकल ज्ञान। इससे पिछले वीडियो में हमने डिजोल्यूशन के बारे में बताया था, डिजोल्यूशन एपरेटस क्या होता है, कैसा होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं। आज हम डिजोल्यूशन के लिमिट के बारे में बताएंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, कौन सी टैबलेट के लिए कि क्या क्या स्टेज होती हैं। तो हमारे पास जैसे एक तो हमारे पास फिल्म कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट होती हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं जिसे हम एसिड और उसके बाद हम बफर में देखते हैं, और एक हमारे पास होती है सस्टेंड रिलीज टैबलेट जो हम 12 घंटे के लिए आवर के लिए डीजो लगाते हैं। ओके, तो इन तीनों के लिए सभी के लिए अलग अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती हैं, लिमिट होती हैं। तो आज हम सबसे पहले फिल्म कोटेड और अनकोटेड टैबलेट के बारे में बताएंगे कि इनके जो है स्टेज कौन कौन सी होती हैं। तो फिल्म कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, इनमें जो है तीन स्टेज होती हैं, S1, S2 और S3। तो S1 स्टेज क्या होती है, सबसे पहले हम डिजोल्यूशन के 6 बोल होते हैं, उन 6 बोल में हम जो है एक एक टैबलेट डाल देंगे। ओके, और जब हम इसको परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट जो है ड्रग्स रिलीज हुआ है, तो जो हमारे पास पैरामीटर होता है कि हर एक टैबलेट की अलग अलग परसेंटेज होती है आईपी के अकॉर्डिंग, तो हम आईपी में देखेंगे कि वो डी कितने परसेंट जो है रिलीज़ करता है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी टैबलेट की जो है परसेंटेज है 70%, नोट लेस देन 70% है, इसका मतलब है कि 70+5 वो जो है टैबलेट 75% से नीचे एक भी टैबलेट जो है रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, सबका रिजल्ट जो है 75% से अबो होनी चाहिए। तो हमने डाल दी एक एक टैबलेट, तो जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो सभी टैबलेट की नो यूनिट लेस देन 75%, किसी भी यूनिट की जो है 75% से जो है कम नहीं होना चाहिए, परसेंटेज रिलीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर जो फॉर एग्जांपल मान लो कि इनमें से किसी एक यूनिट का रिजल्ट जो है 70% आता है या 71% या 68%, जो कि 75% से कम है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, S2 स्टेज की तरफ जाते हैं। S2 स्टेज में क्या करेंगे, फिर दोबारा हम अनदर जो है 6 टैबलेट लेंगे। ओके, उस 6 टैबलेट का फिर से हम डिजोल्यूशन निकाल लेंगे, तो हमारे पास अब टोटल पिछली 6 टैबलेट और इस 6 टैबलेट का रिजल्ट लेंगे। इन टोटल 12 टैबलेट का जो है हम एवरेज निकाल लेंगे, उनका एवरेज जो है इक्वल शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन डी, मतलब कि डी हमारे पास क्या था 70%, 70% से जो है उसका एवरेज जो है या तो इक्वल और ग्रेटर देन डी होना चाहिए, जो कि 70% है हमारे पास डी, तो इस 70% के या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या चीज़, एवरेज। एवरेज मतलब हम 12 टैबलेट की एवरेज निकालेंगे, और अगर जो एवरेज इसके इक्वल और ग्रेटर आ रहा है तो हम टैबलेट बोलेंगे पास है डी जो। अगर जो इनमें से एक भी टैबलेट, एक भी यूनिट का जो है डिजोल्यूशन D-15, दैट इज 70-15%, ये हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, जो कि 70-15 जो कि 55%, एक भी यूनिट का जो है रिजल्ट 55% से कम नहीं होना चाहिए। अगर जो एक भी यूनिट का रिजल्ट 55% से कम आता है तो हम जो है S3 स्टेज की तरफ मूव करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम अनदर 12 टैबलेट लेंगे, पहले हमने 12 टैबलेट पे परफॉर्म कर चुके हैं, उसके बाद हम और 12 टैबलेट लेंगे, अब हमारे पास जो है टोटल 24 टैबलेट हो जाएंगी, इनका रिजल्ट जो है निकालेंगे हम और उनका एवरेज लेंगे जो कि S1, S2, S3। S1 में हमने 6 टैबलेट का जो है हमने निकाला था, फिर S2 में भी हमने 6, तो ये टोटल हो गई थी 12 टैबलेट, और S3 में भी हमने 12 टैबलेट, तो टोटल 24 टैबलेट्स। तो इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो उनका एवरेज जो है इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए डी। डी हमारे पास क्या था 70%, 70%
के इक्वल बराबर होना चाहिए या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए, और नॉट मोर देन टू यूनिट्स, दो यूनिट्स का रिजल्ट जो है डी माइनस 15 से कम नहीं होना चाहिए। डी माइनस 15 दैट इज 70 माइनस 15 55% से कम नहीं होना चाहिए। अगर जो मान लो एक यूनिट का रिजल्ट जो है 55% से कम आ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन दो यूनिट से ज़्यादा का जो है रिजल्ट कम नहीं आना चाहिए। और नंबर सेकंड कंडीशन, नो यूनिट लेस देन डी माइनस 25%। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, डी माइनस 25% दैट इज 70 माइनस 25, ये हमारे पास 45%। तो 45% से नीचे एक भी यूनिट का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अगर जो हमारे पास ये कंडीशन मान लो इससे कम रिलीज़ करता है कोई भी टैबलेट, तो हम उस टैबलेट को जो है फेल कर देंगे, उसके डिजोल्यूशन को फेल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है, आज हमने फिल्म कोटेड के स्टेज के बारे में बताए, फिल्म कोटेड अनकोटेड टैबलेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंटेरिक कोटेड और सस्टेन टैबलेट के स्टेज के बारे में बताएंगे कि इसमें जो है क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ओके, थैंक यू।